बहुत साल पहले एक छोटे से गांव में रामू नाम का आदमी रहता था। उसके पास बहुत सारी मुर्गियां थी। रामू के ध्यान में आया कि उनमें से एक मुर्गी अंडे नहीं दे रही थी। आ, ये मुर्गी मुझे कुछ भी करके बेचनी होगी। कैसे बेचूं? रामू ने तय किया कि उस मुर्गी को वो गांव के बाजार में बेच देगा। रामू को लोगों को फंसाना अच्छा लगता था। रामू अंडे न देने वाली मुर्गी और बाकी मुर्गियों के अंडे लेकर बाजार के लिए निकला। रामू बाजार के रास्ते से जाते वक्त ये कौन? हावड़ा बराबर, कहाँ से आ रहे हो आप? अब मैं क्या ही बोलूं रामू, मैं तो गांव के बाजार से लौट रहा हूँ। क्या बात हुई? मैं इस गाय को बेचने के लिए गया था। कुछ दिन से बहुत कम दूध दे रही है, कोई इसे खरीदना नहीं चाहता रामू। कितना दूध देती है ये गाय? क्या बताऊं, मुश्किल से एक ही लीटर। वैसे रामू, क्या तुम इस मुर्गी को लेकर गांव के बाजार जा रहे हो? हाँ, नहीं, मैं तो उसे लेकर कहीं और जा रहा हूँ। इस मुर्गी के साथ? अरे ये आप किसी को बताना मत, ये मुर्गी ना जादुई मुर्गी है। जादुई मुर्गी? झूठ मत बोलो रामू। आप मानो या ना मानो, पर ये मुर्गी एक दिन में 10 अंडे देती है। अरे बाप रे। कभी कभार तो ये मुर्गी सोने के अंडे भी देती है। लेकिन इसका सबूत क्या है? ये रहा, ये सब इसने इसी सफर में दिए हुए अंडे हैं। कि ये सोने के अंडे देती है, इसीलिए मैं इसे अपने साथ लेकर घूमता हूँ। ओह, इस पर विश्वास रखना तो नामुमकिन है। ठीक है, मत विश्वास करो। वैसे भी मैं इसे एक पिंजरे में बंद करने वाला हूँ। हमेशा इसे लेके जाना बहुत मुश्किल होता है। रामू, क्या तुम इसे बेचना चाहते हो? अगर तुम पूछोगे तो नहीं, ये मेरे लिए तो नुकसान है। मैं बड़ी कीमत दूंगा और साथ में ये गाय भी। कितने पैसे दोगे? मेरे पास 5 चांदी के सिक्के हैं। 5 चांदी के सिक्के, वो भी सोने के अंडे देने वाले मुर्गी के लिए? ये सोने के अंडे देती है। मेरे पास तो अब ये सोने की अंगूठी ही बची है, इसके बदले जादुई मुर्गी तो दे ही दोगे ना? ये तो असली मूर्ख है। अब मुझे इस गाय को किसी और को बेचना होगा। कुछ करता हूँ। तुमने अब गाय पालना भी शुरू कर दिया? अरे ये कोई साधारण गाय नहीं है, इस गाय का दूध बहुत स्वादिष्ट है। ऐसा है क्या? सिर्फ इतना ही नहीं, वो दिन के 30 लीटर तक दूध देती है और कभी कभी 40 लीटर भी। और क्या चाहिए? क्या तुम सच बोल रहे हो, 40 लीटर दूध? हाँ, मुझे भी पहली बार विश्वास बिल्कुल भी नहीं हुआ था। उसने मुझे 30 लीटर दूध निकाल करके दिखाया और दिया भी। तो फिर वो दूध कहाँ है? मैंने उसे बाजार में बेच दिया। पर तुम्हें तो इन सब का कुछ अनुभव ही नहीं है,
नहीं, जब मैंने इसे देखा तो मुझे इसे देने की इच्छा नहीं हुई। और वो कोई होशियारी होगा जो इतने फायदेमंद गाय को नहीं खरीदेगा। ये भी ठीक है। कुछ दिनों से मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं भी एक गाय खरीद लूँ। ऐसा है तो अच्छी गाय देखो और खरीद लो। मैंने इसके लिए 20 चांदी के सिक्के दिए थे। मैं तुम्हें 25 चांदी के सिक्के दे देता हूँ, तुम मुझे गाय दे दो। ओ, माफ करना, मैं ये तो नहीं बेच रहा। रामू देखो, तुम्हें गाय पालने का कोई अनुभव नहीं है और मुझे गाय चाहिए। हम एक अच्छा सौदा कर लेते हैं, ठीक है? ऐसा है तो तुम मुझे जबरदस्ती कर रहे हो। मैं तो तुम्हें मना नहीं कर सकता ना, बराबर? ठीक है, ले जाओ। अगर मैं सिर्फ इसका दूध निकालूं तो ठीक है? तुम्हें मुझे 25 चांदी के सिक्के नहीं देने हैं, 20 भी चल जाएंगे। ये सुनकर वो किसान खुश हुआ और खुशी में वो गाय का दूध निकालना भूल गया। आपको समझ आई रामू की चालाकी? रामू बहुत खुश हो गया। दूध निकालने के बारे में कुछ ना कहते हुए उसने 20 चांदी के सिक्कों के बदले गाय किसान को बेच दी। आज का दिन तो वाकई में अच्छा था, काश हर दिन ऐसा हो। जिस किसान ने गाय को खरीदा था उसने गाय को बहुत सारा चारा खिलाया, पर किसान की खुशी बहुत देर टिकी नहीं। दूसरे दिन जब किसान गाय का दूध निकालने गया तब अरे अब हम क्या करें? इस रामू ने हमें धोखा दिया है। उसने कहा 30 लीटर दूध मिलेगा, पर यहाँ तो 2 भी नहीं मिला। खरीदने से पहले एक बार सोच लिया होता। गाय तो खरीद ली है, मेरे साथ धोखा हुआ है। रामू गाय वापस नहीं लेगा, ये बात तो पक्की है। एक बार हम सरपंच से मिले क्या? सही है, मैं जाकर तुरंत वापस आ जाता हूँ। वो किसान सरपंच से मिलने निकला। किसान ने अपनी चिंता सरपंच के पास व्यक्त की। अच्छा सुनो, जाकर रामू से कहो कि गाय तुमने कहा उससे ज्यादा दूध देती है। और ये भी बताना कि तुम सारा दूध मुझे देते हो। इस प्रकार सरपंच की राय सुनकर किसान रामू के घर की तरफ निकला। रामू के घर की तरफ जाते वक्त ही रामू, तुम्हारा तहे दिल से शुक्रिया। मैं और मेरा परिवार तुम्हारी गाय के वजह से बच गया। ऐसा? हाँ रामू, गाय तो रोज 40 लीटर दूध दे रही है। मैं वो सारा दूध गांव के मुखिया को देता हूँ। ठीक है रामू, मुझे जाना है, मिलते हैं। क्या मैंने इसको गाय देकर कुछ गलती की? मैं अभी गांव के मुखिया से मिलता हूँ। रामू सरपंच से मिलने के लिए उसी दिन उनके घर पहुंचा। आहा, कौन? रामू, आओ आओ। तुम्हें दूध चाहिए ऐसा मैंने सुना। हाँ चाहिए तो था, पर एक किसान हमेशा मुझे बहुत स्वादिष्ट दूध ला कर देता है और सस्ते में देता है। अरे अब मैं क्या करूँ, मुखिया जी तो झूठ नहीं बोलेंगे, मतलब वो किसान सही कह रहा था। रामू बहुत दुखी हो गया। रामू अब किसान के घर की तरफ निकला। हाँ आओ रामू, शरारती गाय को ये घास अच्छी लगती है। वैसे तो मैं गाय वापस खरीदने के लिए आया हूँ। वापस खरीदने आए हो? हाँ। नहीं, मैं नहीं दे सकता, मैं इसे बेच नहीं रहा हूँ। इस गाय ने मेरी जिंदगी बदल दी। ऐसा मत कहो, मुझे ये गाय खरीदने की बहुत इच्छा थी, पर मैंने इसके बारे में बाद में सोचा। अरे नहीं नहीं, मैं इसे नहीं दूंगा, तुम कितने भी पैसे दो तो भी।
ठीक है, मैं तुम्हें उससे ज्यादा पैसे देने के लिए भी तैयार हूँ जितने में मैंने खरीदा था। ठीक है, तुम्हारा दुख मैं समझता हूँ। तो क्या दोगे मुझे? तुमने मुझे क्या दिया, तुमने मुझे 20 चांदी के सिक्के दिए, बराबर। मैं तुम्हें 30 देता हूँ। 30? बिल्कुल नहीं, कम से कम 40 चांदी के सिक्के तो चाहिए ही। ठीक है, देता हूँ। कीमत ज्यादा हुई तो क्या हुआ, मुनाफा भी तो होगा ना। रामू, जो गड्ढा तुमने खोदा था तुम खुद उसमें गिर गए।